वहीं अयोध्या विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित अधिवक्ता सम्मान समारोह में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी रहे साध्वी ऋतंभरा ने रामलला का दर्शन किया और इस समारोह में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। वहीं सम्मान समारोह से पूर्व अधिवक्ताओं ने राम जन्मभूमि जाकर रामलला का दर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी को भी रामलला के रिसीवर कमिश्नर अयोध्या को सौंपा। वेब के संरक्षक दिनेश चंद्र ने कहा कि फैसले के बाद रामलला का दर्शन कर आत्मसंतुष्टि हुई है। अपने भक्तों की भावनाओं को, इच्छाओं को, मन की जो तमन्ना है उसको पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को माध्यम बनाया और उसमें ये सब जितने भी उच्चतम न्यायालय के बहुत सीनियर मोस्ट वकील के पारासन जी हो गए, वैद्यनाथन जी हो गए और उनके साथ पूरे 60 वकीलों की टीम छोटी बड़ी, उन्होंने जो रात दिन मेहनत किया और उस मेहनत में अपनी प्रैक्टिस तब की भी चिंता नहीं की। और के पारासन जी ने कहा एक दिन का 25 लाख से कम नहीं होता, एक दिन का ही, एक नया पैसा कभी नहीं लिया उन्होंने। ऐसे सभी जो माध्यम बने रामलला के इस कोर्ट के निर्णय में, उन सबका अभिनंदन स्वाभाविक रूप से आम भावना के आधार पर बनता है, उसी को ही यहाँ पर आयोजन कार्यसेवा क्रम में आज शाम को 3 बजे सब वकीलों का सम्मान रामलला के ही कृपा से ये सब होने वाला है, उसमें आप सादर आमंत्रित। वहीं अयोध्या पहुंची साध्वी ऋतंभरा ने रामलला का दर्शन पूजन किया और राम जन्मभूमि के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात की। राम जन्मभूमि रामलला का दर्शन करने के बाद साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि रामलला का दर्शन कर मन भाव विभोर हो गया है। सारे संसार की सरकार टेंट में बैठी हुई है, 500 साल हमारी पीढ़ियां राम मंदिर के लिए इंतजार कर रही थी और आज भव्य मंदिर देखने का हम सबको सौभाग्य मिल रहा है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिव्य पिटिशन पर साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि मुस्लिम समाज की सहमति रही कि राम मंदिर बनके समाधान हो जिससे राष्ट्र भाईचारे के साथ प्रगति करे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बने पर साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि वो सभी राम भक्तों और रामलला का ट्रस्टी मानती हैं और राम मंदिर भव्य और दिव्य बनेगा। समर्पित अच्छे लोग उसमें होने चाहिए, वो तो सब तय कर लिया जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो सारे विश्व के राम भक्तों को रामलला के मंदिर का ट्रस्टी मानती हूँ और तन मन धन समर्पित है उनके लिए जिन्होंने हम मनुष्य के सामने इतना बड़ा आदर्श रखा है। देखिए सारा संसार भौतिकता की आग में झुलस रहा है, भगवान के जीवन ने बताया कि संबंध क्या होते हैं, अपनों के लिए जीना क्या होता है और अपनों के सामने बड़े बड़े सिंहासनों की भी ठोकर मार देनी चाहिए। इसलिए भौतिकता कुछ नहीं है, प्यार और प्रेम और अर्पण और समर्पण ही सब कुछ है। इस भावना के साथ ये स्थान बनेगा और भव्य बनेगा, दिव्य बनेगा, संसार को यहीं से मार्गदर्शन मिलेगा। राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब राम भक्तों में मंदिर निर्माण के लिए बेचैनी बढ़ गई है। भक्त भी राम मंदिर निर्माण के लिए टकटकी लगाकर बैठे हैं, मंदिर के लिए लोग दान भी करने लगे हैं। वहीं तकपुरा के ईंट भट्टा मालिक संदीप भी 51,000 ईंटें राम मंदिर निर्माण के लिए दान करेंगे। ईंटों पर राम नाम लिखा होगा। भट्टे पर मजदूरों ने ईंटें बनानी शुरू कर दी हैं। अब तक 4,000 से ज्यादा ईंटें बनकर तैयार भी हो चुकी हैं। समय में आया कि राम मंदिर निर्माण करने के लिए हम ईंट व्यवसायी हैं, राम नाम का ईंट हम बनाना चालू कर दिए। उसी दिन से हमें लगा कि अंदर आत्मा से हम ईंट वहाँ पे 51,000 दान में दें, बनवाने में भगवान की जन्मभूमि में हम दें।